हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है कि केमिस्ट्री में अच्छे नंबर कैसे लाएं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि केमिस्ट्री में बेस्ट तैयारी कैसे करें, केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें बताएं और केमिस्ट्री में अच्छे अंक लाने का कोई तरीका बताएं। तो दोस्तों, मैंने यही सब सोचते हुए आप सभी के लिए ये वीडियो लाना है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ही ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी नए मेहमान हैं हमारे चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साइड में बटन दिया होगा लाल वाला, उसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं यहाँ पे कैसे लाएं केमिस्ट्री में अच्छे अंक। दिमाग के साथ मेहनत भी ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करूँगा, वो पॉइंट्स आप अच्छे से देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री विषय की बात करें तो इस विषय में एक बात तय है कि बिना मेहनत कर इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप जब तक कि केमिस्ट्री में मेहनत नहीं करोगे, तब तक कि आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। हर विषय दिमाग लगाकर की गई मेहनत की मांग रखता है। यदि आप टॉपिक को महज रट रहे हैं तो वह किसी का काम नहीं आएगा। दिमाग लगाकर समझना और फिर उसका बार बार अभ्यास करते रहना ही इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने का मूल मंत्र है दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है वो मेरे से अच्छे से सुन लीजिए। दिमाग लगाकर आपको समझना है कि आपके सामने कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी रिएक्शन है, और उसको एकदम शांत दिमाग से अच्छे से याद करना है। और जब वो चीज़ याद हो जाए तो उसे अपनी रफ पर अच्छे से लिख करके उसको एकदम रट लेना है, ताकि वो जो चीज़ आपको याद किए हो वो आप भूल ना पाओ। और उसके बार बार अभ्यास करते रहना है। जैसे कि आपने कोई फार्मूला, कोई रिएक्शन याद कर ली है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और इसी के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यही एक मूल मंत्र है केमिस्ट्री में टॉप करने का। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान बेहद रखना चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री की तैयारी हमेशा लिख कर करने का अभ्यास करें। बहुत लोग होते हैं कि केमिस्ट्री की लिख कर तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि केमिस्ट्री की लिख कर तैयारी करें। जितनी ज़्यादा आप लिख कर तैयारी करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। महज पढ़ने से इस विषय की तैयारी नहीं होती है। अगर आप सोचो कि आप एक बार पढ़े ले रहे हो तो केमिस्ट्री आपको याद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। फिर आप केमिस्ट्री में फेल हो जाओगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। याद करें और फिर समझ कर सवाल को ज़रूर लिख कर देखें। अगर आप उसके सवाल, उसके रिएक्शन दो बार लिखोगे, तीन बार लिखोगे, चार बार लिखोगे, तो ज़रूरन आपको ये चीज़ याद हो जाने वाली है। NCERT से बाहर के प्रश्न भी नहीं आता है, इसलिए किसी भी रेफरेंस किताब में पढ़ाई करने से पहले NCERT को अच्छे से पढ़ लें। किसी और किताब की तरफ ध्यान मत दें, केवल आप अपनी NCERT किताब से ही पढ़ाई करें। किसी और किताब से नहीं आएगा, केवल NCERT बुक से ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। तैयारी करते समय आपको पेपर का पूरा फॉर्मेट पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि पेपर में किस किस तरह के आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, पेपर किस तरह बनाया गया है और पेपर किस तरह का आने वाला है, यानी कि आपके मॉडल पेपर। आप अपने विगत 5 वर्ष के मॉडल पेपर अपने पास रखें, उन मॉडल पेपर को आप देख करके अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार आपका पेपर आने वाला है, और ठीक उसी प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हो, ताकि आपको यह बखूबी पता रहे कि आपकी कमी कहाँ है और आपको किस चैप्टर में कितना समय देना चाहिए। ये ज़रूर ध्यान दें कि मेरे को केमिस्ट्री इतनी देर पढ़नी है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इतनी देर पढ़ना है, तो सेकंड चैप्टर इतनी देर पढ़ना है। ये आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हो, बिकॉज़ आपका जिस टाइम फ्री रहे कि केमिस्ट्री मेरे को इतने टाइम याद हो सकती है, तो उन्हें उतने टाइम देख लो। फिर न्यूमेरिकल प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लें, चूँकि 4 नंबर का न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है। 4 नंबर का आपका न्यूमेरिकल ज़रूर आता है केमिस्ट्री में। आमतौर पर छात्र पूरा न्यूमेरिकल सही करने के बावजूद अपने अंक खो देते हैं। अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल सही से लगा डाला है, फिर भी आपको 4 नंबर यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्केलेटन फार्मूला ज़रूर लिखें, यानी कि स्केलेटन फार्मूला, आपका जो फार्मूले के नोट्स होते हैं बीच में नोट आउट करके साइड में लिखे जाते हैं, वो आप नहीं लिखते हो। बस इसी की गलती की वजह से आपको एग्ज़ामिनर 4 में 4 नहीं देता है। वहीं सही स्टेप्स से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करें। यूनिट कन्वर्ट करते समय यूनिट पर विशेष ध्यान रखें और अपने उत्तर का सही यूनिट ज़रूर लिखें, ठीक है। और कुछ बातें करते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसी के साथ कन्वर्जन
का आधा अंक होता है, ठीक है। इसलिए पूरा न्यूमेरिकल हर करने के बाद ध्यान रखें कि उसका कन्वर्जन हुआ हो, तभी उसका आंसर एकदम करेक्ट लिख दें। कन्वर्जन का मतलब अगर आपने सही उत्तर लगाया है तभी आप उसमें आंसर लिख दीजिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा दोस्तों। उसके बाद केमिस्ट्री में चूंकि फार्मूले अधिक होते हैं इसलिए एक कागज़ पर सारे फार्मूले लिख लें और फिर कोशिश करें कि खाली समय में आप इन्हें दोहरा लें। आप एक कागज़ लीजिए और उन्हीं पर केमिस्ट्री के सारे फार्मूले अच्छे से लिख लीजिए और किसी समय अगर आप खाली बैठे हुए हो तो वो कागज़ ले करके आप तैयारी करें। ऐसा करने से आपका माइंड भी प्रिपेयर होगा और अच्छे से याद भी कर सकोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुल 18 नंबर की है, इसमें 4 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं। इस पूरे यूनिट को आप इकट्ठे ही तैयार करें तो बेहतर है, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसी के साथ लगाकर इन चैप्टर की अभ्यास करना ज़रूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ इसी के साथ ऐसे चैप्टर भी हैं जिन्हें सीधे और तौर पर सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि घुमा फिरा के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। पॉलीमर हो गया आपका, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवी ड्रेलाइफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिज़िक्स के सवाल हैं, कुछ सवाल यहाँ पे केमिस्ट्री में फिज़िक्स के टाइप के भी होते हैं, तो हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यही थी केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन टिप्स को पूरा फॉलो करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके और वो सेम इसी तरह अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कर सके। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पर वो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।